परी प्रियाश्री चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इस बेल आइकन को हिट करें जिससे आप मेरे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी प्रियाश्री। आज का जो वीडियो है वो एक DIY है जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के घरों में इस तरह के कार्डबोर्ड रहते हैं, आप इसका यूज करके एक टॉय ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और आप इसका डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, इसका मैं यूज करके आपको बताऊंगी कैसे आप इसका प्रयोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके साइड वाले ये जो पोर्शन है इसको काट के हटा लीजिए। इसको फेंकना नहीं है आपको, इसका फिर से मैं इस्तेमाल करूंगी। देखते रहिएगा आप पूरा वीडियो अंत तक। ये दोनों साइड को जो है मैं हटा ली हूँ और ये दोनों पार्ट इसका मैं इस्तेमाल इसके रैक बनाने के लिए करूँगी। चाहे तो आप ये इसको बीच में लगा सकते हो या फिर दो डिवाइड करके इस तरह से रैक बना सकते हो। हम लोग देख लेंगे पहले कि या तो आपको इस तरह से लगाना है या फिर इस तरह से। मैं इस तरह से लगाऊंगी इसमें। और फिर ये मेरे पास एक वॉल स्टिकर है जो मेरे पास बचा हुआ था, इसका मैं यूज करके इसको डेकोरेट करूँगी। तो चलिए मैं इसमें इसको पहले लगा लेती हूँ इस स्टिकर को। इस तरह से लगाना, इस तरह से आप इसको अच्छे से इसमें मेजरमेंट करके आप इसको सब साइड से आगे से पीछे से सब जगह से लगा लेंगे स्टिकर। ये देखिए मैंने सभी तरफ से ये स्टिकर लगा दिया है इसमें। देखिए इस तरह से ये लग रही है स्टिकर लगाने पर, चारों तरफ से मैंने स्टिकर लगा दिया है। और ये जो दो इसके डिवाइडर हैं जिससे मैं रैक बनाऊंगी इसमें, उसमें मैंने स्टिकर लगा दिया दोनों साइड से। और मैं इसको यहाँ और एक यहाँ फिक्स करूँगी। ये ग्लू गन है, इससे मैं इसमें स्टिक करूँगी इसको इस तरह से, और यहाँ पर लगाऊंगी और थोड़ा यहाँ लगाऊंगी। तो पहले मैं इसको रख के मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। मार्क करने से आपका सही जगह पर आपका ये फिक्स होगा, यहाँ और एक यहाँ। और ये ग्लू गन है, अभी ये हिट नहीं हुआ है इसलिए अभी निकल नहीं रहा। हिट होने के बाद इसमें मैं यहाँ पर लगाऊंगी इसको। हिट हो चुका है, अब देखिए आराम से ये निकलेगा। यहाँ पर लगाऊंगी मैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलना। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगा दूंगी ग्लू गन। अब इस तरह से मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। और दूसरी रैक में भी इसी तरह से ग्लू गन लगाते हुए मैं इसको फिक्स कर दूंगी। ये देखिए, आप
आपके बच्चे के बहुत सारे खिलौने से होते हैं छोटे छोटे, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है और आपको फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो आप इस तरह से छोटा सा रैक जैसा बना के कार्डबोर्ड से इसमें आप सारे बच्चे के खिलौने रख दीजिए, जाए तो मन हो तो वो लेके खेलेंगे, या फिर ऐसे डेकोरेशन पीस भी बन सकता है। इस तरह से इसके छोटे छोटे एनिमल्स वाली जो टॉय होती हैं इसको मैंने इसमें रख के इसको डेकोरेट किया है। देखिए इस तरह से, देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इसमें आप इसको हैंग भी कर सकते हो वॉल पे या फिर रैक पे रख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।